हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज एक चने का रेसिपी लेके बहुत ही मज़ेदार मैं लाई हूँ। अब मैं किस तरह तरीके से मैं इस चने की साग को बनाती हूँ आप सब वीडियो में देखिएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से बनाने से। और आप सब किस तरीके से बनाते हो प्लीज़ आप सब भी बताइए कमेंट करके। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको धो ली हूँ और साफ़ करके रखी हूँ। अब इसको कटिंग का बारी आया है तो मैं इसको कटिंग करके फिर मैं आपसे, आप लोग वीडियो में रेगुलर रहिए प्लीज़ प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ रेगुलर रहिए वीडियो में, तभी मालूम चलेगा। बहुत ही आसान तरीके से और टेस्टी बनता है एकदम, बहुत ही अच्छा लगता है। यह चावल दाल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देख सकते हो पूरी तरीके से चना का साग को मैं काट ली हूँ और ये बहुत ही बारीक से मैं काटी हूँ। और ये चाकू से ही मैं काटी हूँ क्योंकि चाकू से ज़्यादा सुविधा होता है हमको काटने में। और आप सब कैसे काटते होगे, जैसे एगो आता है हसुआ आता है तो उससे भी बहुत ही बारीक से कटता है। हम लोग मायके में बहुत हसुआ से ही काटते थे। और देख सकते हो तो इसमें सीधा जाएगा मेरे ये कुकर में, ये देखिए कुकर में जाएगा। और मैं इस स्टेप में बनाती हूँ, आप सब एक बार इस स्टेप में ज़रूर बनाइएगा। आप सबको ये गारंटी है कि आप सबको पसंद आएगा इस तरीके से चने का साग। अगर इस तरीके से बनाइएगा तो आपको तारीफ करने से, तारीफ सुनने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसमें जाएगा थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा लहर का दाल। आप इसमें ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा साग होगा वरना ज़्यादा फ्लेवर अधिक साग का ही हमको चाहिए। दाल का फ्लेवर बिल्कुल भी उतना नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए हमको इसका ज़रूरत है। अब इसमें पड़ेगा मेरा लहसुन, ये देखिए दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए इसमें पड़ेगा बस 4-5 लहसुन, 2 हरी मिर्च बस। और उसके बाद नमक पड़ेगा, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, अब उतना जाएगा नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद इसमें कुछ नहीं पड़ेगा, बस हल्का सा पानी पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी साग में छुपने वाला है पानी, तो ज़्यादा मैं पानी नहीं डालूंगी। अब कुकर को करेंगे बंद। हाँ बेटा, सीधा जाएगा गैस के ऊपर और ज़्यादा नहीं, सिर्फ मेरे दो सीटी, ज़्यादा नहीं, दो सीटी में एकदम पूरी तरीके से ये तैयार हो जाएगा। दाल एकदम सीज गया है, मतलब ये चने का साग, देखिए इसको अच्छे से थोड़ा मेल्ट कर देते हैं, मिला देते हैं। धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा इसको अभी, क्योंकि तुरंत अभी भी पेपर मैं इसको खोली हूँ। और इसको बाद छोक लगाने के लिए इस पर जाएगा लहसुन, बारीक कटा हुआ लहसुन। इसमें मैं हरे मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि तीखा ऑलरेडी पहले से 2 मिर्च एकदम तीखा वाला डाल चुकी हूँ इसमें, और ज़्यादा तीखा हो जाएगा डालेंगे तो। और सूखा मिर्चा मेरे पास नहीं है, वरना सूखा मिर्चा इसमें पड़ता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हो चुका है, उसके बाद इसमें प्याज डाल दी। और एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कुछ कैसा लगा, और आप लोग किस स्टेप में बनाते हैं तो वो भी आप प्लीज़ बताइएगा, शेयर कीजिएगा तो हमें बहुत खुशी होगा। प्याज थोड़ा सा ब्राउन होगा उसके बाद मैं इसमें साग ऐड कर दूँगी। प्याज और लहसुन भूने भुजा गया है, आप सब देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से भुना गया है। अब मैं इसमें डालने की बारी है मेरी साग, चने का साग को डालूँगी। देखिए ये रहा, फ्लेम थोड़ा कम रहेगा, देखिए
इतना सुंदर है कि और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा लगता है। इस तरीके से कई बार मैं बना चुकी हूँ। और एक तरीका है कि डायरेक्ट आप सांप को छोक सकते हो, और एक तरीका है कि दाल जितना दाल इसमें और साग बराबर से डाल सकते हो आप इसको, तो उसमें क्या है कि आपको वो भी अच्छा लगता है। और इस तरीके से बनाइए, आपको साग का टेस्ट पूरा भरपूर मिलेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये चावल के साथ इतना अच्छा लगता है कि अब पूछिए। और मेरे घर में चावल यदि इस तरीके से साग बनेगा तो दाल की कोई आवश्यकता नहीं है और इसमें कोई सब्जी की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ हमको ज़्यादा इसे पसंद आता है, दाल चावल और इसे टमाटर और आलू का चोखा, ये मिल जाए तो बाप रे बाप बहुत ही अच्छा रहेगा। ये ज़्यादा हमको पसंद आता है। और इसमें थोड़ा तीखा नहीं डाली हूँ ज़्यादा, आप इसमें तीखा अपना अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जो आपको तीखा पसंद है। हमें भी बहुत पसंद है, पर मेरे बच्चे हैं वो सब तीखा नहीं खाते हैं, और आप सब जानते ही होंगे क्योंकि तीखा बच्चे सबको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि अमिष्का को भी इसी तरह खिला दूँ, यदि तीखा नहीं लगेगा उसको तो, क्योंकि ऑलरेडी मैं दो मिर्चा इसमें डाल करके इसको मेल्ट कर चुकी हूँ। आप सब देख सकते हो इसमें पूरा तरीके से मेल्ट हो चुका है, और बस इसको ये हो गया है, ज़्यादा आप समय नहीं लेगा इसको। इसी तरीके से ये रेडी है, ये इतना अच्छा एकदम बना है, टेस्टी वाला एकदम। बस तो इस ये रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा ज़रूर कि ये साग किस स्टेप में आप लोग बनाते हो। तो और इधर मैं चावल भी मेरा रेडी है, अब खाने के लिए बारी है। आप उठाते अपने हस्बैंड जी को, ड्यूटी करके सोए हुए हैं वो, तो टाइम वही है, दोपहर का ही समय है, लगभग यही 2:30 बजता होगा। तो ठीक है, बाय बाय।